आज का हमारा टॉपिक है लिमिट कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएशन। सबसे पहले हम बेसिक स्टार्ट करते हैं कि फंक्शन की आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है वो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट होती है या नहीं। अगर सपोज लिमिट एग्जिस्ट का मतलब होता है कि एक्चुअली जैसे एग्जांपल फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपको चेक करना है कि फंक्शन टू पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी एफ एक्स इक्वल टू टू। तो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एफ एक्स का ग्राफ होगा आपका सर्कल। ओके, हम लोग चेक करते हैं सपोज से वन एंड टू, आपको चेक करना है टू पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर देगी या नहीं करेगी। तो टू पे हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम टू की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, चाहे हम लेफ्ट साइड से आए या फिर हम राइट साइड से आए, हमें ये देखना है कि दो पे जो फंक्शन की टू का वैल्यू है वो वैल्यू कहाँ अप्रोच करेगी। जैसे हम सपोज हम यहाँ पे देखें तो हमारे उस टाइम ये पॉइंट था तो उसके लिए ये अफेक्ट था आपका, एक्चुअली टू का हमारा फंक्शन होगा फोर। फिर हम इसके थोड़ा सा और पास गए तब यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे वैल्यू हो गई आपकी और थोड़ा फोर के और क्लोज आ गए। हम और थोड़ा सा और अप्रोच करें सर साइड से तो हमारी वैल्यू और टू के ऊपर अप्रोच होगी। तो ऐसे करते 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 हम टू की तरफ अप्रोच करेंगे, हमें एग्जैक्ट टू पे नहीं पहुँचना, हमें टू की तरफ अप्रोच करना है बस। एक ऑप्शन ये है कि आप लेफ्ट साइड से आओ और एक ऑप्शन आपके पास आप राइट साइड से आओ। मानो सर आप यहाँ से हो, यहाँ पे हमारी वैल्यू जैसे ऐसा हो जाए ना, ये हमारी वैल्यू होगी वो यहाँ पे जाएगी आपकी। फिर हम और पास आएंगे टू के हमारी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी आपकी। फिर और पास आएंगे तो हम ये देख रहे हैं कि दोनों साइड से आप टू के चाहे लेफ्ट साइड से आओ और चाहे टू के राइट साइड से आओ, दोनों साइड से आपको टू पे ही फोर पे ही अप्रोच करना है। तो हमें ये देखना था लिमिट का एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि हम किसी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, हमें पहुँचना नहीं है वहाँ पे, हमें एक्स की वैल्यू टू कभी नहीं होगी। अगर हम इसको रीड करें लिमिट एक्स टेंड्स टू टू एफ एक्स, इसका मतलब होता है कि हमें देखना है जब जब फंक्शन में हम एक्स को टू की तरफ अप्रोच कराए, जब जब फंक्शन में हम एक्स को टू की तरफ अप्रोच कराए तब हमारा फंक्शन कहाँ अप्रोच करेगा, हमें ये देखना है। हम जो इनपुट है एक्स उसको टू की तरफ अप्रोच कराएंगे, टू पुट नहीं करेंगे, हमें देखेंगे उस टाइम फंक्शन कहाँ अप्रोच करेगा। तो एग्जाम्पल था ये तो एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन था कि हम जैसे जैसे अप्रोच करते रहते हैं वैसे वैसे वैल्यू कहाँ जा रही है। एक्चुअली फाइंड करने का तरीका ये होता है कि हम जैसे यही क्वेश्चन को फाइंड करते हैं एक बार, तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि ये है आपकी रियल लाइन, ये है आपका टू। रियल लाइन में हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो हम लेफ्ट साइड से आए या फिर हम राइट साइड से आए, और दूसरा ऑप्शन नहीं है अपने पास। तो हमें देखना है कि हम लेफ्ट साइड से आएंगे उसका आंसर और राइट साइड से आएंगे उसका आंसर, दोनों आंसर ही सेम होने चाहिए। अगर उसमें ऐसा हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी कुछ और आ गई सपोज से नाइन आ गई और राइट हैंड लिमिट आपकी सपोज टू आ गई, तो लिमिट एक्चुअली आंसर अलग अलग आएगा। हम देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड से कहीं और अप्रोच कर रहे हैं और राइट साइड से हम कहीं और अप्रोच कर रहे हैं, हमें ये देखना है कि एक ही साइड अप्रोच होना चाहिए, चाहे आप इधर से आओ चाहे इधर से आओ। अगर एलएचएल इक्वल टू आर्चर हो जाए आपका तो आपकी क्या हो जाएगी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, अदरवाइज नो। तो एग्जाम्पल करते हम लोग सबसे पहले निकालते हैं एलएचएल जो लेफ्ट साइड से आएंगे, तो इनमें लिमिट x टेंड्स टू टू माइनस दो से पहले के लिए ये रियल लाइन है आपकी आपका टू, दो से पहले है टू माइनस और दो के बाद है टू प्लस। टू माइनस का मतलब होता है कि टू से थोड़ा सा पहले, ना के समान, मतलब ऐसा नहीं कि टू से आप वन पहुंच गए जीरो पहुंच गए, नहीं, टू से थोड़ा सा पहले 1.99 से 1.995 लाइक दिस, और या फिर टू से थोड़ा सा आगे 2.001 2.01 लाइक दिस, थोड़ा थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा आगे। ओके, तो हम लोग टू माइनस एफ एक्स लिमिट एक्सटेंड्स टू माइनस एफ एक्स, कौन सा फंक्शन है हमारे पास, एक ही फंक्शन है एक्स स्क्वायर, उसे ही हमें लेफ्ट साइड से निकालना है उसे ही राइट साइड से निकालना है, तो आपका आ गया एक्स स्क्वायर। अब प्रॉपर जनरल तरीका ही होता है करने का कि हम टू माइनस में लिख तो दिया पर टू माइनस का एक्चुअल मीनिंग यह था कि दो से थोड़ा सा पहले, पहले से मतलब उसको ट्रीट करते हैं टू माइनस एच, जहाँ पे एच आपको होता है एच टू जीरो, मतलब ना के समान वैल्यू है, ये जीरो नहीं है, ये कुछ वैल्यू 0.0001 बहुत छोटी वैल्यू, तो दो से थोड़ा सा कम हल्का सा, और ऐसे ही टू प्लस एच में हम थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं टू माइनस एच है। अब जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे आपको लिखना है टू माइनस एच, टू माइनस एच, ओके, एच है कि ना के समान वैल्यू, तो नेग्लिजिबल वैल्यू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो टू माइनस एच का होल स्क्वायर।
उसका हम एक्सपेंड करेंगे फिर होगा जाएगा ए स्पाइनल पी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू एच को जीरो पुट करते हैं इसमें हम लोग क्या आएगा मेरा फोर ये जीरो ये भी जीरो आपका जीरो हो गया आपका फोर तो ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड में सिमिलरली हम फाइंड करते हैं राइट हैंड में बिल्कुल सेम ऐसी प्रोसेस है बस टू माइनस का हो जाएगा टू प्लस एच ओके नाउ राइट हैंड में लिमिट एच टेंड्स टू टू प्लस एफ एक्स फिर हम देखेंगे दो से बड़े के लिए फंक्शन कैसा है दो से बड़े के लिए फंक्शन कैसा है एक ही फंक्शन है हमारे पास यही छोटे के लिए है और यही बड़े के लिए सेम प्रोसीजर टू प्लस एच लिमिट एच चेंज टू टू प्लस एच का होल स्क्वायर टू प्लस एच लिख लीजिए टू प्लस एच का होल स्क्वायर अगर हम एक्सपेंड करेंगे फॉर्मूले को ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस टू ए फिर हम एच को जीरो पुट करेंगे आपका आंसर आएगा फोर प्लस जीरो प्लस जीरो यानी तो हमने देखा कि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही सेम है इसका मतलब होता है कि आपका फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट करेगा इफ एल एच एल इक्वल टू आर एच एल देन लिमिट एक्स टेंड्स टू टू एफ एक्स एग्जिस्ट अगर दोनों सेम है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी अगर दोनों सेम नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी अच्छा अगर आप लोग पूछते हैं कि एग्जिस्ट तो कर रही एग्जिस्ट करने का लिमिट होगी क्या ये लिमिट वही होगी जो दोनों सेम वैल्यू में जैसे आपका एच एल भी फोर है आपका एच एल भी फोर है तो आपकी लिमिट भी फोर है हम कह सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू टू एफ एक्स इक्वल टू फोर ये हमारा कंसेप्ट है बेसिक कंसेप्ट लिमिट का हमारी कब लिमिट एग्जिस्ट करती है और कब नहीं करती अगर एल एच एल आजकल सेम हो जाए तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी अगर डिफरेंट हो जाए अलग अलग तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी ठीक है ओके तो ये हमारा हो गया लिमिट लिमिट का ही थोड़ा सा टॉपिक एडवांस करते हैं इसमें पढ़ते हैं कंटिन्यूटी कि फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है आप देखते हैं इसमें सेम प्रोसीजर सब कुछ यही है बस एक छोटा सा चेंज है कि जिसमें सपोज ग्राफ देखा हमने किसी पॉइंट पर टू पे देखा हमने देखा कि फंक्शन दो से पहले भी कुछ ऐसा हो रहा था और दो के बाद भी कुछ ऐसे ही आ रहा सेम थे लेकिन हमें टू पे वैल्यू नहीं पता थी कि फंक्शन टू पे खुद के आंसर क्या दे रहा है हमने ये टू से पहले करा ये टू के बाद करा तो टू से पहले हमने देखा फंक्शन इस टाइप का कुछ आ रहा है टू के बाद फंक्शन इस टाइप का कुछ आ रहा है लेकिन टू पे एक्चुअल वैल्यू नहीं पता हमें कि टू पे फंक्शन की वैल्यू कैसी है तो इसकी वजह से अभी तक हमारा ब्रेक लगा हुआ है अभी हम ये नहीं कह सकते कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है हो सकता है फंक्शन कंटिन्यूस बना हो और हो सकता है फंक्शन टूट गया ऑपरेशन से टूट गया मतलब ग्राफ ब्रेक हो गया ऑपरेशन से तो सब कंटिन्यूटी की पूरी पूरी कंडीशन डिपेंड करती है इस पॉइंट के ऊपर अगर ये पॉइंट भी आपको वही आंसर दे दे जो इसका आंसर था या फिर जो इसका आंसर था सेम टू सेम आंसर दे तो इसका मतलब इसने ये भी फोर का अप्रोच किया ये भी फोर किया और इसकी वैल्यू भी फोर ही होगी तो फंक्शन क्या हो गया पूरा आपका जुड़ गया तो कंटिन्यूटी केस में क्या करना है आपको एरिचल फाइंड करना है आपको एरिचल फाइंड करना है और आपको फंक्शन की वैल्यू भी निकालनी है तीनों केस देखनी है एरिचल फाइंड करना है आपको फोर एरिचल फाइंड करना है फोर और फंक्शन पे भी हम एक्चुअली टू पुट करके देखेंगे कि उसमें आपको कितना आया उसमें भी अगर सेम आता है तो फंक्शन कंटिन्यूस है जैसे हमारा तो लिमिट का एग्जिस्ट हो गई थी अब हम कर रहे हैं कंटिन्यूस चेक कर रहे हैं तो इसमें ये तक ठीक है हमारा